फ्रेंड्स आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे और अब काम शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कल बोला था कि कल की वीडियो लास्ट होगी, मगर अभी थोड़ा सा लेट निकलेंगे, तो मैंने सोचा अभी पौधों को पानी वानी डाल दें अच्छे से। मैंने शाम को भी एक बार का पानी डाला था, मगर अंधेरा हो गया था ना, तो अच्छे से पानी नहीं डाल पाई थी, मतलब प्रॉपर तरीके से। मच्छर वच्छर खाने लगे थे, तो मैंने सोचा अभी सुबह और अच्छे से इसमें देती हूँ वाटरिंग, और आपके साथ कुछ एक बातें शेयर करेंगे क्या करेंगे कि आप कहीं जाते हैं तो जाने से पहले अपने टेरेस गार्डन पे क्या क्या काम करके जाएं, मतलब किस तरीके से पानी डालते हैं, देके जाएं कैसे अपने पौधों की केयर करके जाएं कि वो 2-3 दिन अच्छे से सरवाइव कर पाएं। क्योंकि अभी है तो रेनी सीज़न, मगर बारिश वारिश नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और उसके कारण क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे। इसीलिए कुछ काम करके जाऊंगी जो आपके साथ में शेयर करूंगी, और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है, शुरू करते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने शाम को पानी दिया था, मगर लेट हो गई थी ना, जैसे कल क्लासेस थी उसके चक्कर में लेट हो गई, तो थोड़ा बहुत पानी दे पाई, और अभी इतना पानी नहीं देना। तो अभी क्या, जैसे एक बार की मैंने वाटरिंग कल अच्छे से कर दी थी शाम को, फिर भी कुछ एक पौधे मेरे बाहर के रह गए, ये देखो इस तरीके से रह गए। और जिन पौधों को मैंने शाम को वाटरिंग कर दी थी ना, उनको भी एक बार अच्छी सी करनी है। और किन पौधों को इसके साथ इस वीडियो में ये बताऊंगी मैं आपको कि किन पौधों में को आप 3-4 दिन पानी ना दें तो वो अच्छे से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं। अगर आप बाहर जाते हो ना, तो किन पौधों की तो आपकी टेंशन नहीं, और किन पौधों का आपको बहुत टेंशन है कि मतलब ये पौधे आपके ख़राब हो जाएंगे, तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखो दिखाते हैं, एक काम करती हूँ, सबसे पहले अंदर चलते हैं और वो ले आते हैं, क्या बोलते हैं, पाइप ले आते हैं, और फिर काम शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको शेयर करते हैं हमारी सारी बातें। अभी कोई वीड्स को ये हम नहीं निकालूंगे, फिर भी मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया है, अभी नहीं निकालेंगे नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। चलो ठीक है, अंदर चलते हैं। रोज़ेस देखो कितने प्यारे खिल रहे हैं, वाइट रोज़ेस, ये देखो कुछ एक एक्सपेंड भी हो चुके हैं, मगर ये देखो ये कौन से है मुझे नहीं पता, मगर इसमें ना खुशबू नहीं आती है, ये बिना खुशबू के, और ये इसमें बंचेस में फूल खिलता है, और ये ना क्लाइंबर है ना बटन रोज़ है, ये छोटे छोटे थोड़े से मतलब बड़े होते हैं, नॉर्मल रोज़ेस से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, और बटन रोज़ से इसका साइज़ बड़ा होता है, इतना इतना सा साइज़ होता है, मगर ये बंचेस में फूल खिलते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखो इस तरीके से कितने सारे फूल खिल रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये बस फ्लावरिंग, और देखो और भी इसमें ये हो रही है, क्या बोलते हैं, बर्ड्स बन रही हैं। ये इंसुलिन प्लांट, जितने भी बाहर वाले प्लांट है ना, उनको तो अच्छे से पहले पानी दे देंगे भर के, जैसे शाम को दिया था अभी भी और अच्छे से दे देंगे, क्योंकि शाम को जो पानी दिया था ना वो पानी निकल गया होगा, और वो 3-4 दिन में अभी पानी दिया था, इसलिए और एक बार का अच्छे से बाहर पानी दे देती हूँ। और किन किन प्लांट को मतलब अभी नहीं दूंगी वो भी आपको बताती हूँ, और अच्छे से पानी मतलब इतना कि इसमें से पानी निकल जाएगा तब तक मैं पानी दूंगी, ठीक है। एक एक बाहर की जितने भी बड़े बड़े प्लांटर्स हैं ना, इसमें इस तरीके से पानी देना है। और मैंने इस एक प्लांट में पानी भर दिया था, ये देखो इसमें ये जो कल लगाया था ना मैंने बॉन्साई, इसमें पानी भर दिया। अब इसमें इतना भी नहीं कि सौगी हो गई मिट्टी, इतना कि इसमें पानी रहे, और उसका पानी ख़त्म नहीं होगा, नीचे होल नहीं है। ये जो मेरी रेगुलर वीडियो देखता है ना, उसको पता है कि मतलब जेड प्लान का क्या सीन है, ठीक है। अब पहले बाहर बाहर का सब मैं पानी देती हूँ, इतना पानी जैसे कि मैंने आपको बताया है, इतना पानी कि ये पानी बाहर से निकलने लगे, ये देखो इन टंकियों में से पानी बाहर से निकलने लगे, बड़े बड़े गमलों में से इतना पानी देना है। और एक बार पानी देने के साथ ही साथ हमको अच्छे से करनी है सभी की शावरिंग भी, ये देखो दिखाते हैं अभी आपको, जैसे एक बार अच्छे से पानी दे दूंगी प्रॉपर तरीके से इनकी मैं शावरिंग भी करूंगी ऐसे, क्योंकि हम 3-4 दिन तक, एटलीस्ट 3 दिन तक तो नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल भी इनकी केयर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अच्छे से भर के पानी दे के अच्छे से शावरिंग करनी है। चलो ठीक है, अब ये कहाँ तक करना है, और जो तक एक एक में पानी जा रहा है ना, हाँ तब तो बता देते कौन कौन से पौधे। देखो गुलाब, इनको रोज़ पानी चाहिए होता है, इनसे प्लांट भी जल्दी सूख जाता है, और ये पौधे बाहर है ना, और जैसा कि अभी आपको पता है कि मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश ही नहीं आ रही है, और बादल भी कोई छाए हुए नहीं है, ऐसा है कि धूप धूप आ रही है, फिर भी तो भी ये सारे पौधे बाहर बाहर के तो सूखते हैं, इसलिए इन सबको पानी देने की ज़रूरत है। बाहर वाले सबको ही बिल्कुल लैगी रहते हैं, इवन तो ये कनेर के, कनेर में देखो फ्लावरिंग कितने अच्छे से हो रही है, और इन लीली सारे खिल रहे हैं ऊपर थोड़े 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 थोड़े, ये देखो। तो ये जो होते हैं ना, इन सबको बाहर वाले को तो सबको पानी देने की ज़रूरत है। ये हमारा ये क्या बोलते हैं, मधुमालती हुआ, ये एरिका पाम हुआ, यहाँ वहाँ, ये हमने जो बटन रोज़ नहीं, क्लाइंब करने वाले रोज़ेस लगाए, ये तो बाहर वाले पौधों में अभी पूरे प्रॉपर तरीके से पानी देना है मुझे। शाम को भी दिया, देखो शाम को देने के बाद मिट्टी की कंडीशन ये हो गई है, अब एक बार और पानी देना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन तक अब इनको पानी नहीं मिलेगा। मेरे बाहर पानी का काम हो गया, अब मैं अंदर दे रही हूँ, ये छोटे छोटे हैंगिंग प्लांट्स है ना,
ये देखो, क्योंकि छोटे छोटे जो हैंगिंग प्लांट्स होते हैं इनका पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि इनमें ना ये सोच लो कि छोटे छोटे बॉन्जाई ही समझ लो आप इसको, इस तरीके से होते हैं। और बॉन्जाई प्लांट में जैसे अकॉर्डिंग पानी सूख जाता है ना, ये देखो एक मक्की में इसको लगा देती हूँ फिर बात करते हैं, इसमें भी पानी बहुत जल्दी सूख जाता है बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो इनको भी अच्छे से शावरिंग करके जब तक आप जाएँ ना लास्ट में पानी देके जाओ, जब तक इसमें पानी रह जाए। ये नहीं कि हम जा रहे हैं और हम शाम को पानी देके जा रहे हैं, और जाने के एक घंटे पहले आप इसको अच्छे से पानी देके जाओ अपने पौधों को, छोटे छोटे प्लांटर्स को, बॉन्सैई को, इन सबको, जिससे दो तीन दिन अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। और हैंगिंग प्लांटर्स में ये देखो इस तरीके से अच्छे से शावरिंग करके पूरा प्रॉपर तरीके से पानी, इनको भी नहीं भूलना है किसी भी हैंगिंग प्लांट को, और शावरिंग करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। ये देखो फर्न प्लांट को भी पानी चाहिए होता है डेली, एक सेकेंड। तो ये देखो अच्छे से पानी, किस तरीके से ड्रेनेज होल से पानी नीचे निकलने लग जाए और शावरिंग अच्छे से, क्योंकि फर्न प्लांट को डेली पानी देना होता है, इनको मॉइस्चर पसंद है, तो इसलिए लास्ट तक एंड तक इनको पानी देके जाना होता है। सक्युलेंट जो होता है ना उनको पानी मत दो, जैसे मैंने कल इनको वाटरिंग की थी, इनको कल वाटरिंग की थी तो अभी पानी नहीं दूंगी देखो इनको क्योंकि हफ्ते भर तक बिना पानी के सर्वाइव कर जाएंगे। डेली मैं यहाँ भी रहती हूँ ना तो इनको पानी नहीं देती हूँ, तीन चार दिन में एक बार देती हूँ। ये वाले हैं जो रिवर सन में हमने कटिंग्स ग्रो किए हैं, रिवर सन में नए पौधे लगाए ना, इनको पानी देना ज़रूरी होता है, जो सिर्फ रिवर सन में कल लगाए हैं उनको पानी दो क्योंकि रिवर सन बहुत जल्दी सूख जाता है। इसके अलावा ये देखो, ये रिवर सन में पौधा ग्रो कर रखा है ना, आपको दिख रहा है, एक सेकंड में ढंग से दिखाती हूँ। ये देखो सिर्फ रिवर सन में ग्रो कर रखा है, ये दिख रहा है आपको ऐसे ये, और अगर मैंने इसको और इसको शेड में रखूँगी, अभी इसमें पानी लग रहा है इसमें इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखो इसको मैं, ये देखो इसमें रूट्स कितनी अच्छी आ रही है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको शेड में रख के जाऊँगी, शेड में नहीं रखा ना तो इसका पानी और धूप में ज़्यादा सूखेगा। हाँ इस तरीके से यहाँ रख जाते हैं इसको भी, और इस तरीके से पौधे है ना क्लस्टर में रख के जाने चाहिए, जितना आप रख सको। अगर आपको लगता है कि इस पौधे का पानी, जैसे ये और ले लिया मैंने, देखो ये मेरा क्या बोलते हैं सदाबहार का, एक काम करो आप इसको इसमें रखो, ये देखो यहाँ इसका मॉइस्चर मिलता रहेगा। वो वाला प्लांट भी ले आती हूँ, ये भी कटिंग्स होती है ना जिसको आपने सरफेस में ग्रो कर रखा है, तो क्या होता है ये छोटे छोटे प्लांटर्स में जो है इनको क्या करो, ऐसी जगह रखो जहाँ इन्हें नीचे का मॉइस्चर मिलता रहे, मतलब मिट्टी का सरफेस मिलता रहे, तो ऐसी जगह रखो क्योंकि इसकी रूट्स भी आ गई है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा नहीं तो। ये देखो मिट्टी इसकी गीली रहेगी और ये भी अच्छे से चलता रहेगा। तो इस तरीके से बड़े बड़े प्लांटर की छांव में रख दो या ऐसी जगह रखो जहाँ नीचे मिट्टी का सरफेस हो, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे दो तीन दिन। तो देखो इसके साथ अभी मैं पानी दे रही हूँ, पानी बड़े बड़े प्लांटर में लग रहा है, तब तक मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। ये जितने भी हैंगिंग है ना, ये सारे जितने भी हैंगिंग है, जाते वक्त मैं क्या करूँगी, जब अच्छे से पानी वानी हो जाएगा ना, ये सारे ही हैंगिंग उतार के वहाँ अंदर ऐसे क्लस्टर में जमा जाऊँगी, क्योंकि यहाँ है ना बहुत तेज की धूप लगती है, और अभी जैसा लगता है कि बारिश तो कुछ होने वाली है नहीं, जब इतने टाइम नहीं हुई तो अभी क्या होगी बारिश, तो वो कंडीशन है। एक इसमें लगा देते हैं ऐसे, क्योंकि हैंगिंग प्लांटर को बहुत जल्दी धूप लगती है और फिर बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो अपने हैंगिंग प्लांटर को तो ऐसे करो, जैसे वो अंदर वाला हैंगिंग आपको दिख रहा है, वहाँ नीचे आपको जगह दिख रही है ना, वहाँ अभी रख के जाऊँगी, और वॉश को इस तरीके से अच्छे से बढ़िया गीला कर दूँगी, उसके बाद रखूँगी इस तरीके से, जिसमें उसमें मॉइस्चर बना रहेगा और वो शेड में तो होंगे ही, तो इस तरीके से सारे ही फर्श को मैं गीला भी करके जाऊँगी जिससे मॉइस्चर बना रहे, और वहाँ नीचे रख दूँगी, आपको दिख रहा है वहाँ दूर जो जगह दिख रही ना वहाँ रख के जाऊँगी, ये सारी ही जितने भी बाहर मेरे हैंगिंग है ना, ये जितने भी सारे उनको एक क्लस्टर में रख के जाएंगे। एक तो ये पर्सन होता है, और दूसरा एक और चीज़ बता रही थी, जो हमारे चंपा के प्लांट्स होते हैं ना, चंपा के और कनेर के, ऐसे कहते हैं कि हार्डी प्लांट होते हैं, इसको तीन चार दिन तक पानी नहीं दो तो भी चलता है, मगर होता क्या है मेरा चंपा के प्लांट्स है ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। ये देखो चंपा के प्लांट्स, वो बाहर वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, वो वाले चंपा के प्लांट्स, वो तो क्या एक बहुत छोटे से उसमें लगे हुए हैं ऑयल कंटेनर में, और वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो भी कर गए हैं, मैं बाहर जाके नहीं दिखा रही, उसका स्टेम बहुत मोटा हो गया, देखो दिखाती हूँ, इनका तो फिर भी पतला है, उस सबका तो बहुत इतना मोटा मोटा हो गया है, तो उसमें क्या पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अगर पौधा ज़मीन में रहे ना तो कोई टेंशन नहीं रहती, आप उसमें हफ्ते भर तक चंपा के प्लांट में पानी नहीं डालो ना, हफ्ते दस दिन तक तो अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि वो ज़मीन का मॉइस्चर लेता रहता है, ज़मीन के न्यूट्रिशंस लेता रहता है, ठीक है। मगर यहाँ जब एक ऑयल कंटेनर में पौधा लगा हुआ हो, अभी तक को देखिए वो नीचे ऑयल कंटेनर में वो पौधा, तो क्या होता है बहुत जल्दी सूख जाता है, इसलिए उसको भी अच्छे से वाटरिंग करके जाओ। अगर आपका प्लांट किसी बड़े प्लांटर में हो तो कोई टेंशन नहीं है, मगर वो छोटे से प्लांटर में होना, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे जैसे रिपोर्ट भी करना है वो रह रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी चंपा प्लांट और कनेर प्लांट को ऐसा है कि अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। एरिका पाम बहुत जल्दी, उसको भी पानी चाहिए होता है, एक फर्न प्लांट की फैमिली में आता है, इसीलिए उसको अच्छे से पानी चाहिए होता है, अच्छे से शावरिंग चाहिए होती है। आप कर सकते हैं कि इनके नीचे आप ट्रे भी रख सकते हैं, मतलब अच्छे से ट्रे वगैरह रख के जाओ, मगर इतने सारे पौधों में पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए कितना में ट्रे रखेंगे, इसलिए जिसमें पॉसिबल हो पाए उसमें तो रख दो, आपके पास थोड़े पौधे हैं तो रख दो, मगर ज़्यादा पौधे में वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और देखो एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, पहले मैं ये पानी कहीं लगा दूँ, पहले एक सेकेंड,
मैंने आलमंडा की कटिंग लगाई थी ना, ये देखो, और कटिंग लगा के मैंने यहाँ रख दी थी, ये देखो इसमें, किसमें, मधुमालती के इसमें, और ये चल पड़ी, ये देखो ग्रो कर गई है, देखो इसमें नया शूट भी आ रहा है ना। और ये मैं नर्सरी से लेने जा रही थी, 150 की मिल रही थी मुझे। इस तरीके से ये होता है टर्टल वाइन टेंगल हार्ट, इसको भी जरूरत नहीं है पानी देने की, मतलब ये भी अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, कम से कम हफ्ते भर तक अच्छे से सर्वाइव करता है, इसको कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा पानी देने की। आप जर्नी पे जाओ ना तो अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। एक ये प्लांट हुआ, एक है हमारा बेबी सनरोज, है हमारा ये बेबी सनरोज, इसमें रेड कलर की फ्लावरिंग होती है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है। ये भी सक्यूलेंट होता है, इसमें बहुत प्यारा फूल खिलता है, इसको भी आप 3-4 दिन तक, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी ना, तो फ्लावरिंग बताने के लिए यहाँ आ गई मैं। ये देखो इस तरीके से फूल खिलते हैं इसमें आपको, ठीक है, ऐसे फूल खिलते थे प्यारे से, उसको भी आप 3-4 दिन तक पानी नहीं दो ना, अच्छे से सर्वाइव करता है, हफ्ते भर तक मत दो अच्छे से, क्योंकि ये सक्यूलेंट फैमिली का है। चेन प्लांट हुआ हमारा ये वाला, ये आपको दिख रहा है नीचे जो इस तरीके से लटक रहा है, और ये मेरे बड़े उसमें हैंगिंग में भी आपको दिखाया अभी मैंने, तो उसको भी मत दो। चेन प्लांट को पानी बहुत दिनों तक चलता है, अच्छे से सर्वाइव करता है। एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, ये देखो एक बार दे दिया, अब मैं कम से कम आऊँगी, उसके बाद भी देने की ज़रूरत नहीं होगी इसको पानी। ये देखो इस तरीके से ये है चेन प्लांट, एक ही हमारा चेन प्लांट, ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, तो उसको भी आप पानी मत दो, अच्छे से सर्वाइव करेगा। सक्यूलेंट हुए हमारे ये सारे, जीजी प्लांट हुआ, इनको भी पानी मत दो, अड़ी नीम को पानी, एक बार जब आप जा रहे हो तब देखे जाओ, उसके बाद टेंशन नहीं रहती इसको कि सूख जाएंगे। इस तरीके से हमारा पानी का काम हो चुका है, मैंने यह गीला कर, अब पानी डालना है मुझे, मतलब ये हैंगिंग प्लांट्स ले आती हूँ बाहर के, और सारे हिला के यहाँ इस तरीके से क्लस्टर में जमा दूंगी मैं, अभी जमा दूंगी, उससे पहले कुछ एक बातें और शेयर करते हैं। और जेड प्लांट हुआ हमारा, हाँ देखो ये जीजी प्लांट, इसको भी पानी देने की जरूरत नहीं है। देखो ये है तो ब्लैक वाला जीजी मेरा, ठीक है, इसमें जो नई ग्रोथ होती है वो ग्रीन कलर की होती है, बाद में होते होते ये ब्लैक हो जाते हैं। एक ग्रीन वाला जीजी है मेरे पास, ये देखो इस तरीके से, ये हमारा ग्रीन जीजी है। तो जीजी प्लांट को तो आप महीनों भर तक पानी में दो, अच्छे से सर्वाइव चलता है, 2-3 महीने तक मत दो, अच्छे से चलता है। बस इसकी जो मैंने अभी कटिंग्स लगाई है ना जीजी प्लांट की, ये देखो इसको पानी देने की जरूरत होगी, इसमें पब वगैरह भी आ गए, जो इसके नीचे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, आलू जैसे इसके वो होते हैं, ये देखो इस तरीके से वो, ये देखो इसमें पानी स्टोर रहता है, दिखा को, ये देखो नीचे ऐसे। तो मगर अभी ये जो मैंने रिवर साइड में ग्रो कर रखे ना, इनको तो एक बार मैं पानी देके जाऊंगी, ठीक है। सक्यूलेंट को एक बार कल दे दिया, अब नहीं दूंगी पानी, अच्छे से शावरिंग करके पानी दे दिया। और कौन से हैं, रियो के प्लांट में अभी तक कुछ खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे प्लांट ख़राब होते हैं उसमें से है हमारा सिंगोनियम प्लांट, कहाँ गया सिंगोनियम, उसमें से है हमारे ये सिंगोनियम प्लांट, बहुत ज़्यादा लैगी हो जाते हैं, बहुत जल्दी लटक जाते हैं, बस इसकी थोड़ी सी बहुत टेंशन रहती है। हो तो आप इसके नीचे एक बड़ी ट्रे लगा दो, या इसे शेड में रख दो, धूप में रहेंगे तो ये जल्दी से लैगी रहते हैं, मतलब इसको रोज़ पानी की ज़रूरत होती है सिंगोनियम को, थोड़ी बहुत इनकी टेंशन रहती है कि ये सूख ना जाए। और ये लाल सा का प्लांट भी बहुत जल्दी मेरा सूख जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस प्लांटर के अंदर रख रखा है नीचे, ये जिसकी मेहरून कलर की पत्ती है ना ऐसे। बाकी ऐसे प्लांट जिनका ये डिफन बेगिया भी बहुत अच्छे से चलता है, ये देखो इसको भी कोई पानी देने की जरूरत नहीं है, अच्छे से सर्वाइव करता है। रबर प्लांट भी अच्छे से चल जाएगा, मैक्सिमम प्लांट ऐसे हैं जो अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो नहीं चलते हैं, उसमें से मैंने आपको बता दिया। ये सिंगोनियम हुआ हमारा, सिंगोनियम ज़्यादा नहीं चलता है, इसको रोज़ पानी की जरूरत होती है, तो जाते वक्त इसके नीचे एक ट्रे लगा जाओ, अगर आपके पास थोड़े से पौधे हैं तो ट्रे वगैरह लगा जाओ, मगर मेरे पास इतने पौधे मैं किस किस में ट्रे लगा के जाऊँ, इसलिए मैं शेड में रख के जाऊँगी, सारे पौधे को क्लस्टर बना के जाऊँगी, क्लस्टर की तरह हो जाएंगे ना, तो भी इनका मॉइस्चर इतनी जल्दी मतलब नहीं उड़ता है, मेंटेन करके रहता है। बस और क्या बातें शेयर करनी है आपके साथ में, हैंगिंग प्लांट्स को अच्छे से पानी दे दिया, शेड में है ना तो अच्छे से सर्वाइव करेंगे, जाते वक्त एक बार सक्यूलेंट को अच्छे से पानी दे जाओ, आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं होती आपके सक्यूलेंट की, ठीक है। बस यही कुछ एक बातें आपके साथ में मेरे को शेयर करनी थी जाने से पहले, और तो क्या, बस अब मिलते हैं और किसी गार्डन, और किसी नर्सरी, और किसी जगह जहाँ मैं शो कर पाऊँ आपको अलग अलग तरीके की नर्सरी, तो बने रहना आप मेरी वीडियोस में। और हाँ एक और ज़रूरी बात, ये हम जब जाते हैं ना, सबसे पहले जो अगर आपने ग्रो कर रखे ना स्नेक प्लांट, और बहुत सारे प्लांट्स मैंने ग्रो कर रखे ना, तो इसका पानी मैंने कल ही चेंज कर दिया था, कल रात को जब पानी दे रही थी ना तब चेंज कर दिया था। एक बार अच्छे से इनका पानी सारे ही जिसमें भी आपने ग्रो कर रखा ना, सबका पानी चेंज करके जाना चाहिए, ये जिसमें आपने पानी में लगा रखा हो, बस ये वाली बात, और तो क्या, बस ठीक है। कुछ एक बातें मिस भी जरूर से हो गई होगी, उसको आप देख लेना, बाकी अपने पौधों को इस तरीके से ध्यान रखना। चलो ठीक है, मॉस स्टिक को भी अच्छे से गीला करके चले आओ, और थोड़े से पौधे हैं तो एक बड़ी ट्रे लगा लो और उसके अंदर रख दो, नहीं हो तो इंडोर रख के चले जाओ, और तो क्या, बस यही क्लस्टर में रखो पौधे,
और जाते वक्त एक बार लास्ट में पानी देके जाओ। बस चंपा का प्लांट ये देखो, ये इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है नाग चंपा में, दिख रही है आपको? ये चंपा के प्लांट को भी कुछ नहीं बिगड़ता, हार्डी प्लांट है। कनेर के प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता, मनी प्लांट का कुछ नहीं बिगड़ता, अच्छे से एक बार पानी दे दोगे ना तो अच्छे से सर्वाइव। हाँ, धूप में हुआ तो गड़बड़ मामला, धूप में तो फिर वो नहीं चलेगा। एज़ फार एज़ फर्न का कुछ नहीं बिगड़ता। और ये देखो कितने प्यारे फूल खिल रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल वाला है, मतलब देसी वाला। चलो ठीक है, इन पत्तियों को भी मैं शेड में रख के जाऊंगी, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ और रख के जाऊंगी कि अच्छे से ग्रो कर जाए। ये देखो ये रिवर्स एंड में ग्रो कर रही है ना हमारा, ये है डबल बैकबोन, इसका भी ध्यान रखना होता है कि ये इनको वो मिले, मतलब मॉइस्चर मिलता रहे। बस ठीक है, अब पानी वानी डाल देते हैं, थोड़ा बहुत और बचा है वो कर देते हैं काम, और तो क्या, बस ठीक है। ये देख रही थी कैसे क्या चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं ना। चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही करते हैं, जाते वक्त अपने पौधों का इस तरीके से केयर करो, नहीं तो कि अपने पौधे जब हम इतनी मुश्किल से लगाते हैं और हम आके देखें कि हमारे पौधे तो ख़राब हो गए, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो ठीक है, अब मिलते हैं कितने दिन बाद, वो आई डोंट नो, इस छत पे 2-3 दिन बाद मिलते हैं। 3 दिन तक तो ये पौधे अच्छे से मेरे सर्वाइव कर जाएंगे। चलो ठीक है, ओके बाय।